रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था जब तक मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था। रिसेंट की अपडेट है कि भाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डीएमआरसी के ऊपर कंटेम्प्ट पटीशन फाइल कर दिया है। कंटेम्प्ट पटीशन क्यों फाइल किया गया है? क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डीएमआरसी ने अभी भी 4,700 करोड़ से ज़्यादा का रुपया नहीं दिया है, पेमेंट नहीं की है। कंटेम्प्ट पटीशन क्या होता है और इतना रुपया डीएमआरसी के पास आया कहां से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जानेंगे आज इस वीडियो में। बात है 2008 की, जब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी डीएमईपीएल यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के एक एग्रीमेंट होता है डीएमआरसी के साथ। डीएमआरसी क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी आती है। इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि दिल्ली में मेट्रो बनानी है, इसे ऑपरेट करना है। अब रिलायंस और दिल्ली मेट्रो के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि 2038 तक दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, इसको रिलायंस ही टेक केयर करेगा, ऑपरेट करेगा। लेकिन 2012 में ही रिलायंस ने इससे पीछा कर लिया और कहा कि भाई दिल्ली मेट्रो ने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको वायलेट किया है, इसके बदले में हमें आर्बिट्रेशन फीस चाहिए। आर्बिट्रेशन कोर्ट भी गए, जहां पर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि भाई डीएमआरसी को पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? लगभग 2,900 करोड़ से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। भाई डीएमआरसी इतने रुपए दे नहीं सकता था, उसने कहा कि भाई हम दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट गए तो वहां पर भी ये बात सेम हो गई कि रिलायंस वाली पार्टी सही है, डीएमआरसी को पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली कि भाई रिलायंस वाली पार्टी सही है, डीएमआरसी को पैसे देने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएमआरसी वो पैसे तो देगा ही, लेकिन जो रिलायंस की पार्टी है, रिलायंस की जो कंपनी है, उसके ऊपर इतना सारा लेंडर्स का कर्जा है, वो चुकाने के दौरान बैंक्स उसके पैसे को एनपीए नहीं घोषित करेंगे। जितना भी लोन लिया गया है उसको एनपीए इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डीएमआरसी के पास पैसा है, जो डीएमआरसी धीरे धीरे करके दे ही देगा। अब फिलहाल हालात ये हैं कि मोटा भाई के छोटा भाई अनिल अंबानी की ये जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और साथ ही में डीएमआरसी ने 2,500 करोड़ रुपए अब तक चुका दिए हैं। लेकिन भाई इंटरेस्ट के साथ पैसा इतना बढ़ गया है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अभी भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुकाने हैं, जो कि कोर्ट ने ही बोला कि करना पड़ेगा। और वहां पर देखा जा रहा है कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जिसके बाद से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट में गया और उसने कहा है कि कंटेम्प्ट पटीशन फाइल की जा रही है इसी के खिलाफ। अब कंटेम्प्ट पटीशन यही होता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है, उसको माना नहीं जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, इसी पर किया जाता है कंटेम्प्ट पटीशन को फाइल। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है यहां पर मिस हुआ, समझ में कम आया, तो कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां वैल्यूएबल इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।